एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बना रही हूँ, बता रही हूँ आज आपको। किचन ट्रिक्स है, जब भी आप पनीर बनाएं घर पे, ये देखिए कितना अच्छा सा पनीर मैंने बनाया है। जब इसका पानी बिल्कुल भी ना फेंके, इस पानी को आप रोटी का आटा गोंथने में यूज करें, उससे हमारी रोटियां बहुत अच्छी सॉफ्ट और मुलायम बनती है। एक अच्छी सी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब भी आप मिर्च का अचार बाजार से लाएं चाहे घर पे बनाएं, उसको फ्रिज में स्टोर करके रखें, जिससे हमारी मिर्ची का अचार का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और काफी दिन तक वो टिका रहेगा। एक अच्छी सी और किचन ट्रिक, लोहे के तवे की सभी को शिकायत होती है कि उसको किस तरह से हम साफ करें। ये देखिए मैंने लिया है थोड़ा सा नमक और नींबू, तवे को गैस पे रख दें, तवा हमारा हल्का सा गर्म होना चाहिए, और नींबू को और नमक को हमें लगातार इस तरह से आपको इसके ऊपर रगड़ना है। ये देखिए इस तरह से आप लगातार रगड़िए, आपका तवा बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा, एकदम साफ। उसके बाद आप साबुन से इसको साफ कर सकते हैं, पर ध्यान रखें तवा थोड़ा सा गर्म जरूर होना चाहिए। ये नींबू से आप देख सकते हैं आधा तवा मैंने साफ कर लिया है, कितना साफ हो गया है। अब इसी तरह से पूरा तवा रगड़ते हुए साफ कर लीजिए, आपका तवा बिल्कुल नया जैसा बन जाएगा। बहुत अच्छी सी ट्रिक्स, जब आप करी पत्ते की सीजन चली जाए, आप टेंशन ना लें, जब करी पत्ते की सीजन हो तो आप करी पत्ता लीजिए, उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए, ऊपर से इस तरह से पकड़ के इनको इस तरह से पत्ते निकाल लीजिए। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, कोई भी एक कांच की आपको शीशी लेनी है या बर्तन डब्बा आपके पास जो भी हो, उसमें इस तरह से आप डाल के उसको करी लीव्स को रख सकते हैं फ्रिज में, ताकि एक महीने तक आपके करी लीव्स बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। एक और अच्छी सी ट्रिक, ये देखिए एप्पल लाते हैं तो सभी की शिकायत होती है कि काट के रखेंगे तो लाल हो जाएगी। आप एप्पल को बिल्कुल आपकी लाल नहीं होगी। देखिए मैं अच्छा सा ट्रिक बताऊंगी, एप्पल को जब भी काट के रखें उसके ऊपर हल्का सा आप नींबू लीजिए और इसको इस तरह से लगा के रख दीजिए, जिससे आपकी एप्पल बिल्कुल भी लाल नहीं होगी। पहले भी मैंने काफी तरह के किचन ट्रिक्स शेयर किए हैं, अगर आपको देखने हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में जल्द ही, बाय।